हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेश्यू टीचिंग क्लासेस। मैं मेघा जायसवाल लेकर आ गई हूँ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में एक और नया टॉपिक जो है निष्ठा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, हिंदी में कहेंगे स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल। तो चलिए देखते हैं निष्ठा है क्या। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियली, अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है? ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें टीचर्स की क्षमताएं जो हैं वो निर्माण की जा रही है या उनका बिल्डिंग या उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। इट इज एन प्रोग्राम टू इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। तो यहां पर हम देखेंगे निष्ठा क्या है। एक तरह की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। निष्ठा के साथ देखिए अभी लॉन्च क्या क्या हुआ था। निष्ठा की वेबसाइट लॉन्च हुई थी, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लॉन्च हुए थे, प्राइमर बुकलेट और इसकी मोबाइल ऐप भी आई थी। और आप ध्यान में रखेंगे एक तो निष्ठा की फुल फॉर्म और दूसरा जो मोबाइल ऐप और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है किस पर बेस्ड है, मूडल पर। मूडल की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरमेंट Have been developed by NCERT। तो NCERT ने जो डेवलप किया है आपका मोबाइल ऐप और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को, वो आपका किसके बेसिस पे किया है? मूडल के बेसिस पे। अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि लॉन्च किसने किया है निष्ठा को। तो देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो आपका लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और ये एक तरह का नेशनल मिशन है, एक नेशनल पहल है, एक इनिशिएटिव है जो टीचर ट्रेनिंग को टारगेट करता है, ठीक है। जहां पर हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स को एम्पावर कर रहे हैं। जो भी एनईपी में आपके डिस्कस हुए थे कि हमारी एजुकेशन आज कैसी होनी चाहिए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग हमें डेवलप करनी है, कैसा हमें स्कूल का माहौल बनाना है, जो असेसमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, जो FLN की बात की गई थी वहां पर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कैसे हमें अचीव करना है, ये सारी चीजों के लिए क्या करना है, टीचर्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए निष्ठा की शुरुआत की गई थी। ये इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपका 60-40 का रेशो चलता है। 60% जो इसका फाइनेंस आएगा वो कहाँ से आएगा? सेंटर से आएगा। 40% कहाँ से आएगा आपका? 40% आपका स्टेट देगी। जबकि अगर हम बात करें आपके जो हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स होती है वहां पर ये 90-10 का रेशो रहता है। और अगर आप यूटीज यानी कि आप अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो वहां पर ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहती है। और किसके अंतर्गत? समग्र शिक्षा के अंतर्गत लॉन्च किया गया था 2019-20 में। बहुत स्पेसिफिक जाना है तो ये अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने लॉन्च किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके अंतर्गत आती है? समग्र शिक्षा के अंतर्गत आती है। अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया। ओरिजिन अब देख लेते हैं इसका कैसे हुआ है। तो देखिए एनईपी 2020 जो आई थी उसमें डिस्कस किया गया था, या सबसे पहली बात जो कही गई थी कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों के फ्यूचर को शेप करते हैं, आकार देते हैं बच्चों के भविष्य को। और एक्सपेक्टेड है कि हर टीचर और जो हेड टीचर्स होते हैं वो कम से कम 50 घंटे की एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, जिससे कि वो अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, यानी अपने आप को अपग्रेड करते रहे, जो नई चीजें वो सीखते रहे, यानी निरंतर रूप से उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। और एटलीस्ट हर टीचर और हर टीचर को कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इसी को रियलाइज करने के लिए NCERT ने विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए गए, इन सबके साथ मिलकर जो है निष्ठा की शुरुआत की, इनिशिएट किया। और निष्ठा के अंतर्गत आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलते हैं वो आपका 1.0, 2.0, 3.0 और अब 4.0 भी आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये आपकी जो CIET की आपकी जो साइट है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि निष्ठा 1.0 किसके लिए है? ये एलिमेंट्री लेवल के लिए। एलिमेंट्री लेवल पे कौन सी क्लासेस आती है? क्लास 1 to 8। ध्यान में रखिएगा क्लास 1 से लेकर क्लास 8th तक, ठीक है, 8वीं कक्षा तक आपका एलिमेंट्री लेवल होता है। प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं जिसे, प्रारंभिक स्तर। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? निष्ठा 1.0। तो निष्ठा 1.0 जो प्रोग्राम है वो एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स के लिए है। फिर निष्ठा 2.0 की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी लेवल के टीचर्स के लिए है, यानी माध्यमिक स्तर के टीचर्स। फिर निष्ठा 3.0 जो है ये आपके निपुण भारत
भारत के लिए। अब निपुण भारत और FLN की बात मैंने एक और वीडियो में आपकी कर रखी है, पूरा वहां पर डिस्कस किया, अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को चेक कर लेना एक बार, इसी चैनल पे करा रखा है। तो निष्ठा 3.0 जो है आपका, ये निपुण भारत को सफल बनाने के लिए है, और निपुण भारत के अंतर्गत हम FLN को अचीव करना चाहते हैं, फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी को, ठीक है, जहां पर बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक की जो बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस है पूरा, जहां पर हमें बच्चों को बेसिक साक्षरता और अंक गणित जो है वो सिखाना है। फिर अगर हम निष्ठा 4.0 की बात करें तो ये आपकी ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके लिए कौन सी है आपकी निष्ठा 4.0, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कौन से लेवल के लिए कौन सा आपका निष्ठा का प्रोग्राम बनाया गया है। फिर देखिए निष्ठा क्या है, ये अपने आप में ही वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि मोटिवेट किया जाए और टीचर्स को इक्विप किया जाए, जिससे कि वो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, उन्हें एंकरेज करें, ठीक है, यानी कि हम उनके अंदर चिंतन कौशल जो है बच्चों के अंदर, एक एनालिटिकल थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर वो डेवलप करनी है। लेकिन वो डेवलप तब हो पाएगी जब हम टीचर्स को इतना ज्यादा इक्विप कर देंगे, उनको एम्पावर करेंगे, उनको सिखाएंगे कि आपको बच्चे के अंदर ये चीजें कैसे लेकर आनी है। फिर है आपका ये स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इसके अंतर्गत बनाए गए हैं सारे के सारे, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर, और यूटीज में उपलब्ध है। आउटकम्स में देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि इसके हाइलाइट्स काफी सारे हैं, किस तरीके से जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमको डिजाइन किया है उसके द्वारा जो आउटकम्स लेकर आने हैं, तो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए लर्निंग आउटकम्स में। यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट को कैसे आप अचीव कर सकते हैं। फिर जो टीचर्स और हेड टीचर्स हैं वो एक्चुअली फर्स्ट लेवल काउंसलर्स हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डील करते हैं बच्चे के साथ, बच्चे के जो सोशल इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ क्या करना है, टीचर को डायरेक्टली डील करना है। तो कहीं ना कहीं टीचर इक्विप होना चाहिए, टीचर को नॉलेज होनी चाहिए कि किस बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है, ताकि उसकी सभी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ऐसे ही जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है पैडागॉजी किस तरीके से यूज करनी है, सही चीज को सही मटेरियल को किस तरीके से पढ़ाना है, मतलब क्या टीचिंग मेथड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, किस तरीके की टीचिंग इक्विपमेंट्स वहां चाहिए, या TLM की हम बात करें, शिक्षण सहायक सामग्री क्या इस्तेमाल करनी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाए। टीचर्स को ट्रेन किया जाता है पर्सनल सोशल क्वालिटीज जो है स्टूडेंट्स के अंदर और डेवलप करने के लिए, मतलब ना सिर्फ उनके संज्ञानात्मक विकास पे ध्यान देना है बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा उसके ऊपर ध्यान देना है। इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स है, ICT का प्रयोग कैसे करना है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो SBA की बात होती है कि जहां बच्चे के एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी करते करते ही उसका असेसमेंट भी हो गया तो वो स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट हो जाता है, बच्चे को पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली उसको असेस किया जा रहा है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आउटकम्स जो हैं एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि एक बार अगर निष्ठा की जो ट्रेनिंग है वो टीचर्स कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये आउटकम्स लाने में कामयाब हो सकते हैं। फिर देखिए एम क्या था निष्ठा का, देखिए जब निष्ठा को लॉन्च किया गया तो इसका एम था कि जो 42 लाख टीचर्स हैं एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पर, हम प्रारंभिक शिक्षा स्तर की बात कर रहे हैं, वहां पर जो 42 लाख टीचर्स हैं क्लासेस 1-8 की हम बात कर रहे हैं, वहां पर फेस टू फेस मोड में यानी आमने सामने बैठकर उनको ट्रेन करना है। तो इस तरीके से मॉड्यूल्स तैयार किए गए थे कि उनको आमने सामने बैठकर ट्रेनिंग कराई जाएगी, लेकिन 2019 में ही आपको पता है क्या आ गया, COVID-19 आ गया, और इसकी वजह से ये प्रोग्राम रुक गया। लेकिन अब इसको बढ़ाना था आगे, तो कैसे होगा, तो NCERT और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन सब ने मिलकर प्लान किया कि निष्ठा को ऑनलाइन चलाया जाएगा दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। दीक्षा आपका क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेशनल एक्टिविटीज चलती हैं। तो दीक्षा पोर्टल जो है आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब ये दीक्षा पोर्टल के ऊपर क्या किया, जो निष्ठा की ट्रेनिंग से उनके मॉड्यूल्स डाले गए, जिसको जो टीचर्स या इंडिविजुअल्स हैं इजीली अपने मोबाइल से ही एक्सेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से ही, अगर लो कनेक्टिविटी भी है, इंटरनेट कम भी आ रहा है, जैसे कि अगर दूरदराज में जो बिहार में कई स्कूल्स होते हैं वहां पर जब टीचर्स होते हैं तो वहां पर इंटरनेट उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन वहां पर भी जो है ये आसानी से चल सकता है। तो दीक्षा पोर्टल के थ्रू जो है ऑनलाइन निष्ठा की ट्रेनिंग जो है शुरुआत कर दी गई इसकी, ये आप देख सकते हैं निष्ठा ऑनलाइन ऑन दीक्षा NCERT की आपकी वेबसाइट पर। तो ये था आपका निष्ठा का टोटल प्रोग्राम, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, आपके वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है उसका सोर्स था ये ऑफिशियल वेबसाइट्स
और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ जाती हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेक्चर स्क्रीनिंग का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीक्षी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर जाकर आप हमारे इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। हमारा गंगोत्री बैच चल रहा है और यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन आपकी कराई जा रही है। सारे आपके जितने भी सेक्शन है वो यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। आप इसको जरूर एक बार चेक कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक दीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप कर लीजिए, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।